हेलो क्लास सिक्स, आर नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड दैट इज़ ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड, इट इज़ अ स्फीयर विच इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज slightly at the equator, such a shape is called geoid. So हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ जो है परफेक्टली राउंड नहीं है, स्फेयर है शेप में, उसके पोल्स है वो थोड़ी सी फ्लैट है और उसके इक्वेटर की जो जगह आ जाती है इक्वेटर हाफ मिड में तो ये थोड़ी बल्की है वहाँ से, ठीक है, तो इसको geoid बोलते हैं। A key geographical question throughout the human experience has been where I am. The ancient Greek geographer Ptolemy created a grid system and listed the coordinates for place throughout the known world in his book biography. अब अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमें एक क्वेश्चन आता है कि हाँ हम कहाँ पे हैं, तो जो ग्रीक का एक ज्योग्राफिकल ज्योग्राफर था Ptolemy, उसने जो है एक ग्रिड सिस्टम बनाया एंड फिर उसके बाद उसने जो है उसके ऊपर प्लेसेस जो हैं वो कोऑर्डिनेट की जो थ्रू द बुक उसमें ज्योग्राफी के बुक में बताया गया है। बट इट वॉज़न्ट अंटिल द मिडल एजेस दैट द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड सिस्टम वॉज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। बट मिडल एज से पहले कोई ऐसा सिस्टम जो है डेवलप नहीं किया गया था, ना ही लॉन्गिट्यूड ना का ना ही लैटिट्यूड का। दिस सिस्टम इज रिटन इन द डिग्रीज, इसको डिग्रीज में लिखते हैं। अब हम कभी भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर पढ़ते हैं तो उसमें डिग्रीज होता है ना। You would probably have little use for the latitude or longitude while trying to find a place in a town or city. आप longitude latitude का जो है little use करते हो कैसे किसी भी जगह को find करने में help करता है। You would find it more convenient to use the map that shows local streets and avenues. आपको तभी ये ज़्यादा ईजी लगता है, जैसे अब गूगल मैप जब हम खोल लेते हैं हमें कोई रास्ता नहीं आता होता, रास्ता किसी जगह का नहीं पता, तो हम गूगल मैप खोल के हम सब कुछ देख सकते हैं, वो हमें बताता है रास्ता प्रॉपर, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। बट यू माइट नीड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू लोकेट योर सेल्फ इन अ प्लेस सच एज एन ओशियन और एन डेजर्ट। बट अगर आपने वैसे नॉर्मली थ्रू लाइन ट्रैवल करना तो आप मैप के हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है, और वरना अगर तो आपने ओशंस में या कोई डेजर्ट्स है जहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ, तो वहाँ पर एस सच दे प्लेसेस वहाँ पे जो है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है काम आते हैं। द इक्वेटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ एज इट नीदर हैज़ कॉर्नर्स एंड साइड्स। अर्थ पे जो है जगह का पता लगाना जो है डिफ़िकल्ट है क्योंकि ना ही इसके कॉर्नर्स हैं ना ही इसके साइड्स हैं, नॉर टॉप नॉर बॉटम, ना ही उसका टॉप है कोई ना ही उसका बॉटम है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ जो है अपनी ही जगह पे अपनी ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट करती है। इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विथ इट्स रोटेशनल एक्सिस द लाइन वुड पास थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। क्या कहते हैं, अगर हम जो है और उसके सेंटर में एक लाइन पास करवा दें, ठीक है, अलोंग उसकी रोटेशनल एक्सिस के साथ जहाँ से वो जिस तरीके से वो रोटेट करती है वहाँ से, तो वो जो लाइन भी है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ही जाएगी। द टू पोल्स कैन बी यूज्ड एज टू फिक्स्ड पॉइंट्स, अब दो पोल्स को हम दो फिक्स्ड पॉइंट्स के तरह हम उसको जो गिन सकते हैं, वो तो फिक्स ही रहते हैं। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द अर्थ एक्सिस, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसी एज सच कोई लाइन बनी नहीं हुई, बट हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है ताकि उसको टू हाल्स में जो है पार्ट कर सकें। इट इज़ इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर का डिस्टेंस फ्रॉम द टू पोल्स, दोनों पोल्स नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल से, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर, ये अगर ये अर्थ है और इसको दो पार्ट्स ये इक्वेटर ने कर दिए तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया या साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो इसका इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर
अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैलर ऑफ लेटिट्यूड. जो भी सारे पैलर्स हैं इक्वेटर से, ये अगर इक्वेटर ये है और ये फिर उसके पैलर होएंगे, ठीक है, ये चीज़ें उसकी पैलर होएंगी ऐसे वाली, देन इसको हम पैलर ऑफ लेटिट्यूड्स कहते हैं. मतलब ये लेटिट्यूड वाली लाइन होती है, ठीक है, और जो ऐसे वाली होएगी वो लॉन्गिट्यूड वाली होएगी. ड्यूरिंग दे ऑल्सो एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एवरी डे ड्यूरिंग द ईयर. और जो ये एरियाज़ हैं ये 12 घंटे जो है सनलाइट जो है पूरे साल में रहती है. दे एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस इन ऑटम एंड स्प्रिंग द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेडेड द इक्वेटर रिजल्टिंग इन एग्जैक्ट 12 आवर डेज एंड 12 आवर्स नाइट्स. इसमें जब इक्विनॉक्स होता है स्प्रिंग टाइम में और ऑटम सीजन में, तो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली सीधा उसके इक्वेटर के हेड पे होती है, मतलब डायरेक्टली इक्वेटर तक पहुंचती हैं. तो इसमें क्या है 12 आवर डेज होता है, 12 आवर नाइट जो है वो होती है. पैलर एंड मेरिडियंस द ग्लोब इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ. ग्लोब से हमें प्रॉपर अर्थ का पता लगता है. इट हैज दो तरीके के सर्कल्स होते हैं इसमें, नेमली पैलर्स मेरेडियंस, पैलर और मेरेडियंस, पैलर लैटिट्यूड और पैलर. अब पैलर किसे कहते हैं, लैटिट्यूड को, ठीक है, ये पैलर होती है ये वाली चीज़ है, ठीक है. तो ये अगर हम ये लाइन बनाए, ये इक्वेटर है तो यहाँ पे ये लाइन, ये सारी क्या है पैलर, ठीक है. लैटिट्यूड्स और पैलर्स द लाइन रनिंग इन द सर्कल पैलर टू द इक्वेटर आर नॉन एज लैटिट्यूड. जो ये पैलर लाइन होती है इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है. लैटिट्यूड्स आर मेजर इन डिग्रीज, इनको डिग्री में नापा जाता है. देयर आर 360 डिग्रीज हैं एक सर्कल में पूरे, 60 मिनट्स इन अ डिग्री एंड 60 सेकंड्स इन अ मिनट. 60 मिनट एक डिग्री में होते हैं और 60 सेकंड्स एक मिनट में होते हैं. द इक्वेटर इज स्टार्टिंग लाइन एंड मार्क्ड एट 0 डिग्री. इक्वेटर जो है स्टार्टिंग शुरुआती लाइन है और उसको 0 डिग्री इसलिए माना जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री. जो कि डिस्टेंस है, दूरी है इक्वेटर की और नॉर्थ पोल की, वो 90 डिग्री है, बिल्कुल स्ट्रेट है. देखो ये इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री माना जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट है. ये जो लाइंस होती हैं ये पैलर हैं इसके, तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है जी. द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर 90. अब डिस्टेंस ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इक्वेटर. अब इक्वेटर से इधर 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है एंगल, 90 डिग्री का इनमें डिफरेंस है. और लैटिट्यूड ऑफ साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ एंड लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री नॉर्थ. अब उसका लैटिट्यूड जो है साउथ जो है 90 डिग्री पे, और साउथ पोल भी 90 डिग्री एंड नॉर्थ पोल भी 90 डिग्री. द पैलर्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री. दस देयर आर 90 पैलर्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड 90 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब क्या है, पैलर्स जो हैं वो 1 डिग्री के इंटरवल पे बनाए गए हैं. ये है इक्वेटर, फिर ये एक डिग्री जो है, ठीक है. Thus there are 90 pallors in the southern hemisphere. इसलिए 90 pallors जो हैं वो southern hemisphere में हैं, ठीक है, एंड 90 ही northern hemisphere में latitude जो है आते हैं. Here 180 lines of the latitude for on the surface of the earth, not including the equator. वन एट्टी लाइन्स जो है लैटिट्यूड की
वो अर्थ की सरफेस पे जो बनाई गई हैं, बट इसको इक्वेटर को नहीं गिना गया उसमें, ठीक है जी। आगे है द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर सेट टू बी लो लैटिट्यूड्स वाइल दोज नियर द पोल्स आर द हाई लैटिट्यूड्स। जो कि प्लेसेस, जो कि जगह इक्वेटर के बिल्कुल पास होती है उसको लो लैटिट्यूड कहा जाता है, जो दूर होती है। वाइल दोज नियर द पोल्स, जो पोल्स के पास होती हैं उनको जो है वो उनको हम इक्वेटर जो है वो नहीं गिनते। द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर सेट टू बी इन लो लैटिट्यूड्स वाइल दोज नियर द पोल्स आर हाई लैटिट्यूड्स। अभी भाई ये जो उसके पास है इक्वेटर के पास जो जगह है उसको लो लैटिट्यूड बोलेंगे, बाकी जो पोल्स के पास जगह है उसको हाई लैटिट्यूड हम बोलेंगे।